दोस्तों क्रिकेट और फुटबॉल से जुड़ी खबरों के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस घंटे को भी दबा देना ताकि आपको सबसे पहले खबर पता चले। हेलो दोस्तों, मैं हमीर और आपके मिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आ गया एक नए वीडियो लेकर और इस वीडियो में आपको हीरो सुपर कप 2018 के फाइनल मैच जो बेंगलुरु एफसी वर्सेस ईस्ट बेंगल होने वाला है, इस मैच के लिए दोनों टीमों का लाइनअप, विनिंग चांसेस, की प्लेयर कौन कौन हो सकता है दोनों टीमों का, ये सब कुछ एनालाइज करूंगा। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों मैंने तो आपको कम्युनिटी टैब में 16 और 17 अप्रैल के सेमीफाइनल के बारे में बता दिया था कि 16 तारीख को ईस्ट बंगाल वर्सेस गोवा और 17 तारीख को बेंगलुरु एफसी वर्सेस मोहन बागान सेमीफाइनल होगा। और अब ईस्ट बंगाल गोवा को 1-0 से हराकर साथ साथ बेंगलुरु एफसी भी मोहन बागान को 4-2 से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। और आज 20 अप्रैल 4 बजे ईस्ट बंगाल वर्सेस बेंगलुरु एफसी के बीच सुपर कप 2018 का फाइनल होगा भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम पर। तो दोस्तों दोनों टीमों के बीच एक जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है। अगर दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करें तो पहले बात कर लेते हम ईस्ट बंगाल के की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों ईस्ट बंगाल के 4 की प्लेयर रहेगा, वो होगा कलसुमी योसा, आल अमाना, एडुआर्डो और गुरविंदर सिंह। ये 4 खिलाड़ी को देखना पड़ेगा कि किस तरह से बेंगलुरु एफसी के खतरनाक अटैक को रोकता है और इन चारों के ऊपर बहुत ही दमदार रहेगा इस मैच पे। और बेंगलुरु एफसी का की प्लेयर रहेगा सुनील छेत्री, मिकू और उदंत सिंह। तो दोस्तों अगर बेंगलुरु एफसी को इस मैच को जीतना है तो सुनील छेत्री और मिकू का प्यार का कमल फिर से एक बार दिखाना पड़ेगा इस फाइनल मैच पे। दोनों के साथ साथ राइट विंग बैक उदंत को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी तो मिकू और सुनील गोल दाग पाएगा। तो अभी चलिए दोनों टीमों का क्या प्लेइंग 11 हो सकता है इस मैच के लिए बात कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं ईस्ट बंगाल के प्लेइंग 11 के बारे में। तो इनका गोलकीपर होगा उबेद, इनके अलावा टीम में होगा समाद, गुरविंदर, एडुआर्डो, चुलोभा, अचो, लोबो, डान माविया, युसा, अलमाना, डूडू या अनसुमाना। क्योंकि दोस्तों डूडू का नी इंजरी हो गया था पिछले मैच जो गोवा के खिलाफ खेला था, वहां पर डूडू का थोड़ा बहुत इंजरी है। अगर अनफिट रहता है तो मुझे लग रहा है कि अनसुमाना ओपन कर सकता है। और इसके बाद बात कर लेते हैं बेंगलुरु एफसी के प्लेइंग 11 के बारे में। तो इनका गोलकीपर रहेगा गुरप्रीत सिंह संधू, इनके अलावा टीम में होगा सुभाषित बोस, जॉन जॉनसन, पार्टालू, डोभाले, लेनी, फेरेज, बोईथांग, उदंत, सुनील छेत्री और मिकू। तो ये तो हो गया मेरे तरफ से फाइनल मैच के लिए दोनों टीमों का प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11। में उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 देखने को मिलेगा। शायद एक दो चेंजेस हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की प्लेइंग 11 रहने वाला है। और अब चलिए बात कर लेते हैं दोनों टीमों के विनिंग चांसेस के बारे में। तो दोस्तों दोनों ही टीम बहुत ही उम्दा परफॉर्म करके फाइनल तक पहुंचा है। ईस्ट बंगाल मुंबई सिटी एफसी, आईजोल एफसी, एफसी गोवा जैसी टीम को हराकर फाइनल तक पहुंचा है। और बेंगलुरु एफसी, गोकुलम केरला, नेरको एफसी और मोहन बागान जैसी टीम को हराकर फाइनल तक पहुंचा है। तो दोनों टीम के बीच एक टक्कर का कॉम्पिटिशन होने वाला है और इसीलिए ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है मेरी तरफ से कि कौन इस मैच को जीत पाएगा। लेकिन फिर भी दोनों टीमों के पिछला मैच जो सेमीफाइनल था उसके आधार पर मेरी तरफ से बेंगलुरु एफसी के जीतने का चांस रहेगा 70% और ईस्ट बंगाल के जीतने का चांस रहेगा 30%। क्योंकि दोस्तों मैच में बेंगलुरु एफसी के स्टार खिलाड़ी मिकू ने एक हैट्रिक लगा दिया था और उसी के कारण बेंगलुरु एफसी अभी बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड है और बहुत ही कॉन्फिडेंट है। और अगर ईस्ट बंगाल की पिछले मैच की बात करें तो यहाँ पर ईस्ट बंगाल एक गोल लगाने के लिए बहुत ही जूझ रहा था लेकिन फिर भी एक गोल लगाया था और उनका परफॉर्मेंस थोड़ा इस मैच पे स्लो हो सकता है इसके कारण। और इसीलिए मैंने इस तरह से अपना जो प्रिडिक्शन है बताया और विनिंग परसेंटेज भी उसी तरह से दिया है पिछले मैच के परफॉर्मेंस के आधार पर। लेकिन फील्ड में कौन कैसा परफॉर्मेंस करेगा ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है और जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा, जिसका परफॉर्मेंस उभर के आएगा, वही ये मैच को जीत पाएगा और मेरा प्रिडिक्शन भी गलत हो सकता है। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस मैच को कहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर लाइव टेलीकास्ट की बात करें टीवी में तो आप देख पाएंगे स्टार स्पोर्ट्स 2 और स्टार स्पोर्ट्स 2 HD, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। और इसके बाद अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में आप हॉटस्टार पर और जियो टीवी पर इस मैच को देख पाएंगे। तो जरूर इस मैच को देखना, 4 बजे से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही और आपका क्या ख्याल है इस मैच के बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों से जरूर इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी इस तरह के खबरों के बारे में पता चले। और आप मुझे सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि मैं वहां पर भी लगातार न्यूज अपडेट देता रहता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। तो अभी के लिए अलविदा, मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे।